यदि आपके चेहरे पे उम्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मीन्स अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 या 35 ही है, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा फील होता है कि आपको आपकी एज 40 या 45 के अबव हो चुकी है, आपके चेहरे में रिंकल्स आ गए, खासकर इस एरिया में बहुत ज़्यादा रिंकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे रिंकल्स दिख रहे हैं, या आपके आँखों के नीचे डार्क स्पॉट्स दिख रहा है, आपको एजिंग लाइन दिख रही है, आपको बहुत ज़्यादा आपका चेहरा डल फील हो रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि तो इस वीडियो में हम एक ऐसे होममेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, ये सॉल्यूशन को बनाना बहुत इजी है, आपके घर में ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, और इसको अगर आप अपने फेस में अप्लाई कर लेते हैं रात में सोने से आधा घंटे पहले, यकीन मानिए आपके फेस में जो रिंकल्स हैं या आपके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, पिंपल्स के दाग हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डल दिख रही है, या उम्र के प्रभाव आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इन सभी चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। इसका यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत से लोगों ने यूज़ करके इसका रिव्यू भी मुझे बताया है, और इसके मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। आप एक बार इस सॉल्यूशन को घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। इस सॉल्यूशन को कैसे बनाना है ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको नारियल का तेल लेना होगा। हर घर में नारियल का तेल ज़रूर मिल जाता है, और नारियल का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, और आप ये जानते ही होंगे कि विटामिन ई जो होता है ये हमारी स्किन को ग्लो लाने के लिए, स्किन में पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और नारियल के तेल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, तो आप नारियल का तेल ले लीजिए। सेकंड जो चीज़ है वो आपको लेनी है शहद। शहद भी हर घर में मिल जाता है, आप शहद ज़रूर लीजिए। देखिए, शहद कैसे बनता है आप ये जानते होंगे कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये बहुत सारे फ्लावर के ऊपर बैठ के उनके रस को निकाल कर अपने मधु को बनाती हैं। उस मधु में इतना नेचुरल हर तरह के रस होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, पिगमेंटेशन को दूर करने में, डार्क सर्कल को दूर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको शहद मीन्स हनी से एलर्जी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ें आपको नारियल के तेल में मिलानी है वो है ग्रीसलीन। जी हाँ, ग्रीसलीन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, मेडिकेशन के तौर पे ग्रीसलीन का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये नेचुरल मेडिकेशंस होती हैं, आप ग्रीसलीन का यूज़ करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसका, ये स्किन को ग्लो बनाने में, स्किन की जो चमक आपकी चली गई है या उम्र के प्रभाव दिखने लगे हैं आपकी स्किन में, इसको भी दूर करने में मदद करती है, तो आप ग्रीसलीन का भी यूज़ ज़रूर करिए। देन फोर जो इंग्रीडियंट्स मिलाना है इसके अंदर वो है गुलाब जल, रोज़ वाटर जिसे हम बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, हम अगर नॉर्मली भी रात में सोने से पहले कॉटन के अंदर रोज़ वाटर डाल के प्रॉपर हम अपने फेस में अप्लाई करते हैं और 2 से 4 मिनट तक उसे अप्लाई करते रहते हैं और रात भर अप्लाई करके सो जाते हैं, सुबह आपका फेस खुद ही चमकदार दिखने लगेगा, और अगर आप नारियल के तेल में गुलाब जल को मिला लेते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, आपकी स्किन में रिंकल्स को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इन चारों इंग्रेडिएंट्स को कैसे मिलाना है और कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी आपका जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप 7 दिन का सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है, 1/2 चम्मच आपको ग्रीसलीन लेना है, और ग्रीसलीन लेने के बाद आपको 1 चम्मच रोज़ वाटर लेना है, और शहद आपको 1/2 चम्मच लेना है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे हम मिक्स कर रहे हैं इस तरह से अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करके आप इसे एक बॉटल में रख लीजिए, अपने बेड के साइड में रख लीजिए, और रात में सोने से पहले ज़रूर अप्लाई करिए। आपको इस सॉल्यूशन को केवल 1/2 घंटे तक ही अपने फेस में अप्लाई करके रखना है, इसके बाद आपको अपना फेस को वॉश कर लेना है।
एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप इस सॉल्यूशन को अपने फेस में अप्लाई करेंगे तो अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, सॉफ्ट जो टॉवल आती है उसे अपने फेस को क्लीन कर लेना है उस टॉवल से, ताकि आपके फेस में पानी बिल्कुल भी ना रहे और जो भी आप सॉल्यूशन को लगा रहे हैं तो आपके फेस में अच्छे से अप्लाई हो। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो या तो क्लॉकवाइज आपको इसे रब करना है, जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, या तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, आपको इस तरह नहीं करना कि आप थोड़ा सा क्लॉकवाइज करें फिर एंटी क्लॉकवाइज करें, आपको पहले या तो क्लॉकवाइज करना है या तो केवल एंटी क्लॉकवाइज करना है, और अपने फेस में अच्छे से कम 10 से 15 मिनट इसका मसाज ज़रूर करें, आप ज़रूर इसका रिजल्ट देखेंगे। एक बात और मुझे बतानी है आपको कि आप जब भी इस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं तो इसके साथ विटामिन ई की कैप्सूल रात में सोने से पहले ज़रूर लें तो ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विटामिन ई कैप्सूल होती है ये हमारे रिंकल्स को रोकने में मदद करती है, स्किन को चमकदार बनाती है, स्किन में जो डेड स्किन होती है हमारे स्किन में जिसके कारण हमारा फेस बहुत ज़्यादा डल दिखता है, पिगमेंटेशन जो रहता है उसको दूर करने में मदद करती है। इस सॉल्यूशन के साथ आप विटामिन ई कैप्सूल रात में सोने से पहले ले सकते हैं, या अगर आप कैप्सूल नहीं खाना चाहते तो इसी सॉल्यूशन में आप एक विटामिन ई का कैप्सूल मिलाकर रख लीजिए और 7 दिन तक इस सॉल्यूशन को आप यूज़ करके देखिए, आपकी जो फेस में डलनेस है, आपके फेस में जो रिंकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, एजिंग लाइन है, ये सभी रिमूव हो जाती है, धीरे धीरे आप इसका असर देखेंगे, बहुत जल्दी ये रिड्यूस होने लगेगी। बहुत असरदार होम रेमेडीज़ है, इस होम रेमेडीज़ को मैंने खुद ट्राई किया है और मुझे इसका 7 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिला है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपको भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और आप कोई और होम रेमेडी भी ट्राई करते हैं जिसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, या क्या आपने इस होम रेमेडीज़ को भी कभी ट्राई किया है, और अगर नहीं किया है तो एक बार ट्राई करने के बाद ज़रूर कमेंट्स करिए कि आपको इसका रिज़ल्ट कितने दिन में देखने को मिला। मुझे तो इसका रिज़ल्ट 7 दिन में देखने को मिला है, आप भी मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए सिर्फ इतना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।